दोस्तों एक इंडियन लड़की जो पली बढ़ी तो यूएस में, लेकिन उसने अपना स्टार्टअप किया सिर्फ 12 साल की एज में। रिया सिन्हा जो अल्टो कैलिफोर्निया में रहती है, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था रन अवे ट्विंस। अपनी बुक को लोकल बुक स्टोर्स पे प्रमोट करते करते उनको मोटिवेशन मिला, वो अपनी और भी मोटिवेशनल बुक्स लिखे। इससे रिया को मोटिवेशन मिला और भी गर्ल्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए और एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करने के लिए। तो रिया ने एक राइटिंग क्लब स्टार्ट किया जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अपनी राइटिंग शेयर करती थी अपने दूसरे मेंबर्स के साथ। ये क्लब जल्दी ही पॉपुलर हो गया और एक कम्युनिटी बन गया। 2015 में को फाउंडर शारदा ने भी इसको ज्वाइन किया। दोस्तों इस क्लब का नाम है फुजिया। सिर्फ 35 मेंबर की टीम के साथ ये स्टार्टअप आगे बढ़ गया और टैलेंट को बढ़ावा देने लगा। पिछले कुछ सालों में फुजिया ने बहुत से अर्बन और रूरल इलाकों में औरतों की हेल्प की है। इस प्लेटफॉर्म पे क्रिएटिव लड़कियां और औरतें अपने टैलेंट दिखाती हैं और कम्युनिटी के साथ जुड़कर आगे बढ़ती हैं, और ये उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम में हेल्प करता है। फुजियो टैलेंट प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी सर्विसेज भी बड़ी बड़ी कंपनीज को दी जाती है। आज की डेट में फुजियो एक ग्लोबल कम्युनिटी है जिसमें 5 मिलियन से भी ज़्यादा रीडर्स और राइटर्स जुड़े हुए हैं। इस स्टार्टअप को वुमेन इकोनॉमिक फोरम 2018 में भी इनवाइट किया गया था। तो फ्रेंड्स ये तो थी रिया सिन्हा की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।